क्यों दखल दे रहे हो, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में लोगो? ओ लोगो, 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 क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब? लोगो ये देखो मामला हमारा अली का है, हमारा अली का। लोगो ये देखो माम, तू चम्मच गिरी करने क्यों आया? ये मामला हमारा और अली का है, हमारा हमारा अली का है। क्योंकि अली कौन है तो बरेली से आवाज आती है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अली कौन है बरेली से आवाज? क्या के सलामी जिसके दर का हर वली है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी मोहब्बत से बात समझाने की। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर अली का बेटा वो अपने बाबा की शान यूं बयान करता है कि मरहब दो नीम है, दो नीम दो टुकड़े, मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का ये नहीं के मारा अली का। अगर खुदा जिसका हाथ हो जाता है वो उन हाथों से कभी पाप जुर्म और जुल्म नहीं करता, इसी पर आप समझ लो। तो वली गरीब नवाज अपनी नजर से जिसे बनाते वो महफूज अनिल खता हो जाता है। मैंने पूछा ये गरीब नवाज कौन है तो कहा नबी के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा है। तो जब बेटों के बेटों की नजर में इतना असर है जिस पे डाल दिया उसको महफूज अनिल खता बना दिया, तो जब बेटे की नजर ये है तो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुशायरा नहीं है, ये महफिल है, वो भी चार यारों की महफिल। और लेकिन इतना मैं थोड़ा चेक करूं कि यहां जितने बैठे हैं, यहां जितने बैठे हैं या तो वो कादरी हैं या तो वो चिश्ती हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर हैं तो फिर बात होनी चाहिए बुलंद आवाज से कि हाँ कोई है यहाँ, या तो यहाँ कादरी बैठे हैं या तो यहाँ चिश्ती बैठे हैं। अब कादरियत और चिश्तियत से क्या मुराद है? जो गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता है उसे चिश्ती कहते हैं, और जो गौसे पाक के दामन से वाबस्ता उसे कादरी कहते हैं। लेकिन सच्चाई कह दूं, जो कादरी है वो चिश्ती भी है, जो चिश्ती है वो कादरी भी है। इसलिए कि हिंद में अगर बगदाद का दामन मिला है तो किसी के पाप की मेहनत से नहीं, रसूल पाक के बेटे गरीब नवाज के फैजान से। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चिश्ती भी हैं और हम कादरी भी हैं। जब बात है तो पहले मैं नबी के हर यार की बात कर लूं। अगर आपका ज़हन हाजिर है आपको बस इतना कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लोग सुनते रहते हैं मुझसे, कि जब मैं इस्लाही बयान करता हूं कोई सो रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई खड़ा हो, कोई हंस रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपने आकाओं को बयान करने लगूं तो फिर मेरा दिल चाहता है कि पूरी महफिल मेरे साथ हो। हाँ, और सरकारों की बारगाह में खिराज पेश करे ताकि फैजान वहां से मिले। और सिर्फ आप ही नहीं, मैं अपने उलमाए किराम की भी दुआएं चाहता हूं कि उनकी मालूमात पे मैं कोई इजाफा तो नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआएं जरूर वो दे सकते हैं। और उन्हें भी चुप नहीं रहना, क्यों? क्योंकि जिस कौम का इमाम चुप रहेगा उसके मुक्तदी क्या बोलेंगे। ये बात आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा हूँ तो अपने नबी के हर यार की अब तवज्जो करना। तमहीद के तौर पर इंसान जैसा होता है उसके यार भी वैसे ही होते हैं, आपको इसका ख्याल करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीदों पर कोई बात करें तो बात फिर बाबा फरीद के मुरीदों पर नहीं होती, फिर बात और निशाना लगता है सीधा किस पर? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पर। अगर आप बात करते हैं गरीब नवाज के मुरीदीन
पर, तो फिर निशाना मुरीदों पे नहीं होता बल्कि किस तरफ तीर जाता है, सीधा गरीब नवाज पर। कि ये कैसे लोग थे जो अपने मुरीदों को माज अल्लाह संवार न सके, अस्तगफिरुल्लाह अलायाज़ु बिल्लाह। ये बात कोई कह सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख उठा करके पढ़े, गरीब नवाज के मुरीदों में कोई ऐसा नहीं मिलता, गरीब नवाज के यारों में कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको आप गाली दे सके, उसके किरदार को गाली दे सके। क्यों? अगर सच्चे चिश्ती हो तो दिल पर हाथ रख कर ये बात करना, क्या गरीब नवाज की सीरत में ये बात नहीं लिखी हुई है कि सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठा करते थे। राजस्थान में बात कर रहा हूं, गरीब नवाज के पड़ोस में ये शहर है, इसलिए तवज्जो फरमाए। गरीब नवाज हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे, हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे, हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे, और जब आंख खुलती और किसी पर नजर पड़ती तो हमारे अकीदे में हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है कि वो नजर डालते थे तो जिस पे नजर डाली उसको वली बना देते थे। तवज्जो करना, जिस पर नजर डाली उसको वली बना देते थे। और हमारे अकीदे में चूंकि ये महफिल अहले सुन्नत की है तो हम सिर्फ मुखातिब भी अहले सुन्नत से हैं, और जो अपने आप को अहले सुन्नत समझता है उससे मुखातिब है, बाकी हमें दूसरों की दाएं बाएं की कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि इंसान को माले ज़कात जो जमाल का मैल होता है वो देने के बाद आदमी भूल जाता है कि किस किस हाथ में जा रहा है, उसे माल के मैल से क्या ताल्लुक। बस बात इतनी है, इस वक्त मैं माल के मैल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं असल रसूल माल और पाकीज़ा माल से मुखातब हूं। तवज्जो करना सुनियों, गरीब नवाज जिस पर आंखें खोल के नजर डालते उसको वली बना देते थे, और जब कोई वली होता है तो अहले सुन्नत के अकीदे में वो मासूम नहीं होता मगर महफूज जरूर होता है। महफूज उसे कहते हैं, गुनाह कर सकता है, मुमकिन है, मगर होता नहीं, क्योंकि खुदा उस वली पर अपनी हिफाजत की चादर डाल देता है। अगर उसको समझना है तो यूं समझ ले, जब कोई वली बनता है, तवज्जो करना, अब मैं चार यार को पढ़ने से पहले थोड़ा आपका जौक देखना चाहता हूं कि आप किस तरह का जौक रखते हैं। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं, उसके कान हो जाता हूं, उसकी जबान हो जाता हूं। तो हमने ये माना निकाला कि देखना उसका होता है, कुव्वत अल्लाह की होती है, यही तो माना है, और बयान करने वाले बयान करते हैं, मगर हदीस इल्म है बगैर किनारे का समंदर। अब अल्लाह वली के लिए कह रहा है, मैं आंख हो जाता हूं, मतलब अल्लाह आंख हो जाता है तो इशारा मिल रहा है कि तू अपनी आंख से पाप कर सकता है, मगर खुदा जिसकी आंख बन जाए वो उन आंखों से पाप नहीं कर सकता। तू अपने हाथों से पाप कर सकता है, मगर खुदा जिसका हाथ हो जाता है वो उन हाथों से कभी पाप जुर्म और जुल्म नहीं करता। इसी पर आप समझ लो, तो वली गरीब नवाज अपनी नजर से जिसे बना दे वो महफूज अनिल खता हो जाता है। मैंने पूछा, ये गरीब नवाज कौन है? तो कहा, नबी के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा है। तो जब बेटों के बेटों की नजर में इतना असर है, जिस पे डाल दिया उसको महफूज अनिल खता बना दिया, तो जब बेटे की नजर ये है तो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपने चिश्तियत का ढोंग और कादरियत का ढोंग नहीं रचाया है
तो जब गरीब नवाज की नजर पर इतना इत्मीनान है तो रसूलुल्लाह की नजर का क्या है, है? फिर हुजूर के सहाबा की, क्योंकि सहाबी नजर रसूल से वली बना गरीब नवाज की नजर से, है? वली बना। एक बात और अर्ज कर दूं, कुछ लोग नहीं उन्होंने तो ऐसा किया था, मैंने कहा वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर तू कादरी है तो सुन। गौस पाक के यहाँ एक चोर आया, मैं गैर सुन्नी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सुन्नियों को कह रहा हूँ, हाँ ठीक है थोड़ा खिसक जाए लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जगह दे दे भाइयों को जो आना चाहते हैं महफिल, थोड़ा सा आगे हो जाए जगह दे। ये भी है रिवायत में, ये भी है जो अपने मोमिन भाइयों को जगह देते हैं महफिल में, अल्लाह उनको जन्नत में जगह देता है। आमीन आमीन। लेकिन नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ते हुए आगे बढ़े, आवाज नहीं आई दुरूद शरीफ की, दुरूद शरीफ पढ़ के आगे। सैयदना व मौलाना محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحكم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين صلاه وسلاما عليك يا جد الغوث الثقلين। तो अर्ज ये कर रहा था गौस पाक के यहाँ चोर आया और आने के बाद, आपको बताएं मैं उसको बहुत लंबी नहीं करता, इशारा देता हूँ मुझे असल उनवान की तरफ आना है। क्या हुआ, गौस पाक ने उस चोर को क्या बना दिया, कुतुब बना दिया, उस चोर को कुतुब बना दिया। अब कोई तकरीर करता है वो तो पहले चोर था, वो तो पहले डकैती करता था, वो तो पहले ऐसा करता था, वो तो पहले वैसा करता था। बोलो कभी उस डाकू और उस चोर के किरदार पर किसी सुन्नी ने तकरीर की, किसी कादरी ने तकरीर की? क्यों? इसलिए कि जानता है जब तक गौस पाक की नजर नहीं पड़ी थी चोर डाकू था, जब गौस पाक ने संवार दिया, संवारने वाले ने संवार दिया, आगे की जिंदगी खत्म। अब जो बात का मामला है उसी का जिक्र किया जाएगा। बोलो बात है कि नहीं है? तो यही तो कहता हूं, गौस पाक के घर में चोर आया था, पहले की जिंदगी भूल गए, नबी के घर में जो आ गए तो उनकी पहले की याद करके उनको ताना क्यों देते हो? जब नबी ने सहाबी बना दिया है तो अब नबी के दामन का ख्याल करते हुए, जब गौस पाक की निस्बत का इतना ख्याल है तो रसूल पाक की निस्बत का ख्याल क्यों नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है, बहुत बड़ी बात की हजरत, बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कादरी और चिश्ती हो तो तुम इसका लिहाज करोगे, और अगर चिटिंग बाज हो फिर तुम्हारी अपनी मंजिल। अब बात ये तो सब यारों की थी, मेरे इमाम कहते तन मन धन तेरे कदम पर वारिस।